Hey guys, finally vivo ने Funtouch टूल को रिलीज कर दिया है एंड गाइस यहाँ पर ऑफिशियली vivo ने Funtouch टूल के फीचर्स एंड लुक्स को भी बताया है। तो गाइस आज की वीडियो में लोग देखेंगे कि Funtouch टूल का लुक हमें किस टाइप का दिखने को मिलता है एंड कौन कौन से फीचर्स हमें Funtouch टूल में दिखने को मिलेंगे। तो हो सके गाइस आज की वीडियो को इन तक देखते रहेगा एंड चैनल पे नए हो तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको हमेशा मिलते रहे। तो चलिए गाइस अब बात करते हैं Funtouch टूल के बारे में। तो गाइस जैसा कि आपको पता है कि vivo ने ऑफिशियली अपने वेबसाइट पे यानी कि vivo.com पे Funtouch टूल के बारे में आज ही बताया है। एंड गाइस यहां पर सबसे पहले बात करी Funtouch टूल के लोगो के बारे में, तो यहां पर आप देख सकते हैं गाइस इस बार हमें कुछ इस टाइप का लोगो दिखने को मिलता है Funtouch टूल का। अब जैसा कि आपको पता है कि Funtouch 11 का जो लोगो था वो कुछ इस टाइप का मिलता है, लेकिन Funtouch टूल का लोगो इस टाइप का मिलता है। एंड यहां पर आप देख सकते हैं हमें ब्लू और येलो शेड का यहां पर लोगो दिया गया। तो लोगो देखा जाए तो वो भी बहुत ही मिनिमलिस्टिक सा लुक दिया गया एंड बहुत ही अच्छा लोगो भी इस बार हमें दिया गया। और गाइस जब बात करें यहाँ पर Funtouch टूल के फीचर्स के बारे में, तो गाइस बहुत अच्छे अच्छे फीचर्स को ऐड किया गया एंड इस बार देखा जाए Funtouch टूल और भी अच्छे हमें दिखने को मिलेगा। सबसे पहले गाइस बात करिए यहाँ पर आप देख सकते हैं ज़्यादा कुछ फीचर्स तो नहीं बताया गया अभी, लेकिन जो भी फीचर्स बताया उसके बारे में बता देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर विड्जेट्स के बारे में सबसे पहले बताया। यहाँ पर गाइस आप देख सकते हैं बहुत सारे न्यू विड्जेट्स को ऐड किया गया Funtouch टूल में एंड विड्जेट्स को देखते ही आपको यहाँ पर पता चल जाएगा कि ये जो विड्जेट्स है गाइज ये ओरिजिन ओएस के विड्जेट्स हैं जिनको कि Funtouch टूल में ऐड किया जा रहा है। जी हाँ गाइज यहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे विड्जेट्स जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर कैलेंडर, यहाँ पर वेदर, इन सभी के विड्जेट्स को ऐड किया जाएगा Funtouch टूल में। और ये सारे जो विड्जेट्स हैं ये टू कॉपी मतलब यहाँ पर कॉपी है ओरिजिन ओएस का। तो इससे पहली बात तो हमें ये पता चल जाएगा कि इंडिया में ओरिजिन ओएस नहीं आने वाला है। यहाँ पर ओरिजिन ओएस का जो लुक है वही हमें Funtouch टूल में दिखने को मिलेगा एंड देखा जाए Funtouch टूल है उसी को यहाँ पर इंप्रूव किया जाएगा इंडिया में। एंड गाइस देख सकते हैं जो सबसे पहले काम किया गया वो किया गया विजिट में, विजिट हमें बहुत अच्छे अच्छे दिखने को मिल जाते हैं इस बार Funtouch टूल में। उसके अलावा गाइस यहाँ पर आप देख सकते हैं हमें नैन्यू म्यूजिक प्लेयर को ऐड किया गया है Funtouch टूल में। जैसा कि गाइस यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ, ये जो नैनो म्यूजिक प्लेयर है इसमें क्या है कि एक न्यू विजिट को ऐड किया गया है जो कि एक नैनो म्यूजिक प्लेयर है जहाँ पर गाइस आप म्यूजिक को टैप करके मतलब चेंज कर सकते हैं, प्ले पॉज कर सकते हैं एंड साथ ही साथ यहाँ पर आप मतलब जो ऐप होते हैं लाइक जैसे यहाँ पर स्पॉटिफाई हो गया, रेसो से सुन रहे हैं और जो भी अलग अलग ऐप्स हैं उनको आप यहाँ पर स्विच कर सकते हैं डायरेक्टली उस विडजेट के थ्रू। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर बताया गया इसके बारे में कि टर्न इनटू अ हैसल फ्री म्यूजिक एक्सपीरियंस विद अ लाइट टैप ऑन दिस होम स्क्रीन, स्विच बिटवीन योर फेवरेट म्यूजिक बिटवीन स्पॉटिफाई और जुक्स विद नॉन स्टॉप बीट्स। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आप स्विच कर सकते हो। पहली बात तो आप पहले गाना को स्विच कर सकते थे, गाना को यहाँ पर मतलब यहाँ पर आप पॉज कर सकते थे, प्ले कर सकते थे, लेकिन अब यहाँ पर आप ऐप को भी चेंज कर सकते हैं मतलब स्विच कर सकते हैं। उसके अलावा गाइज यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको एक्सटेंडेड रैम का ऑप्शन मिल जाता है। गाइज यहाँ पर आपको पता है कि वीवो अब कुछ कुछ डिवाइसेस जो भी नए लॉन्च हो रहे हैं उसमें हमें एक्सटेंडेड रैम का फीचर मिलता है, वो जो फीचर है वो अब सभी को मिलेगा जिनमें Funtouch टूल मिलेगा। एंड जैसे कि आप देख सकते हैं Funtouch टूल जिसको भी मिलता है लाइक वीवो V20 हो गया, V21 हो गया, जो भी हो गया उनमें हमें एक्सटेंडेड रैम का फीचर मिल जाता है। यहाँ पर हम लोग 4GB रैम को एक्सटेंड कर पाएंगे। तो गाइस अभी तो बस यही सारे फीचर्स के बारे में बताया गया और गाइस जैसा कि आप देख सकते हैं कि जो लुक मिलेगा Funtouch टूल का बहुत ही अच्छा दिखने को मिलेगा। एंड आप लोगों को बता देता हूँ यहाँ पर थोड़ा सा स्टॉक यूआई की तरह हमें लुक मिलेगा मतलब स्टॉक लुक मिलेगा Funtouch टूल में, क्योंकि आपको पता है कि Funtouch 11 का जो लुक था वो भी हमें स्टॉक मिलता है, स्टॉक यूआई की तरह मिलता है। तो ऐसे में Funtouch टूल भी थोड़ा स्टॉक मतलब स्टॉक बेस्ड होगा थीम एंड यहाँ पर थोड़ा सा कस्टमाइजेशन के लिए यहाँ पर ओरिजिन ओएस का लुक दिया जाएगा। तो देखा जाए ओवरऑल Funtouch टूल का इस बार लुक और भी अच्छा होने वाला है। एंड गाइस आप लोग बता देता हूँ बहुत ही जल्द यहाँ पर Funtouch टूल रिलीज भी किया जाएगा, मतलब रिलीज तो कर दिया गया। और सबसे पहले आप लोग को ये भी बता देता हूँ जो Funtouch टूल है वो गाइस वीवो X70 सीरीज़ के साथ लॉन्च किया जाएगा, यानी कि वीवो X70 सीरीज़ बहुत ही जल्द लॉन्च होने वाला है अप्रॉक्स 14 या 15 दिन बाद। तो उसके साथ हमें Funtouch टूल दिखने को मिलेगा एंड उसके बाद जो अपडेट्स हैं वो आना स्टार्ट हो जाएंगे Funtouch टूल का। तो गाइस बहुत ही जल्द Funtouch टूल आप सभी को मिलने वाला है। तो ऐसे में गाइस अगर आप जानना चाहते हैं कि Funtouch टूल के कौन कौन से फीचर्स हैं, क्या क्या लुक्स हैं और आप चाहते हैं कि आपके मोबाइल में क्या Funtouch टूल मिलेगा या नहीं, तो उसके लिए गाइस हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि Funtouch टूल के रिगार्डिंग बहुत सारे वीडियोज़ आने वाले हैं अभी फ्यूचर में। तो हो सके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि इंटरेस्टिंग वीडियोस आए तो आपको हमेशा नोटिफिकेशन मिलते रहे। होप आपको आज Funtouch टूल के रिगार्डिंग जो भी इन्फॉर्मेशन आई है वीवो की तरफ से जो ऑफिशियल न्यूज़ है वो आपको पता चल गया होगा। मिलते हैं आपको हमारे अगले वीडियो में, तब तक ले जय हिंद जय भारत।